एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। ऐसा ही कुछ हुआ है चाइना के साथ। चाइना ने एक बड़ा निर्णय लिया और इस निर्णय से जापान, भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया चारों को लपेटने की कोशिश करी। चारों के लिए हुक्का पानी बंद करने का इंतजाम कर दिया। लेकिन अब ये देश आगे क्या करेंगे? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या भारत ने रूस से हमास के बारे में बातचीत की और इसका असर दिखना शुरू हुआ है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ दिनों पहले चाइना ने दो दुर्लभ खनिजों गैलियम और जर्मेनियम पर पाबंदी लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था, यानी इनके एक्सपोर्ट नहीं करेगा चाइना, ये कहा गया। कुछ दिनों बाद एक और बड़ा ऐलान किया है हाल फिलहाल में। हालांकि ये जो ऐलान किया है, इस ऐलान के पीछे 28 देशों का एक तगड़ा वाला बार भी रहा है चाइना के ऊपर। दरअसल इस वक्त यूरोपीय यूनियन और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही है। यूरोपीय यूनियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चाइना को जो सब्सिडी देता है अपने देशों में, उसे खत्म करने जा रहा है। और चाइना कह रहा है कि आप सब्सिडी खत्म मत करो, इस विवाद को ज्यादा मत बढ़ाओ। चाइना अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ढेर सारे मात्रा में डंप करता है 28 देशों के इस समूह में, और चाइना ठीक ठाक मुनाफा कमा रहा है। लेकिन यूरोप यहाँ पे तन गया है। यूरोप सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं, बल्कि यूरोप चाइना के साथ चल रहे कई और व्यापार पर भी अब अपना नजर टेढ़ा कर रहा है। अब इसे देखते हुए चाइना को लग रहा है कि ये सब किया कराया अमेरिका का है, मुझे मार्केट से निकाल कर अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे। चलो मैं सबक सिखाता हूँ। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना ने कहा कि आज से ग्रेफाइट नहीं जाएगा। अब ग्रेफाइट अगर किसी देश को लेना है तो पहले सरकार से परमिशन लो। डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी अब बात नहीं होगी, आप यहाँ पर परमिशन लो तभी आपको ग्रेफाइट मिलेगा। अब चाइना ने इतनी बड़ी बात कह दी, तो ऐसा क्या है चाइना से नहीं हम किसी और से ले लेंगे, मन में ये ख्याल आएगा? तो आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इस ग्राफ को देखिए आप। इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेफाइट को लेकर इतना ज्यादा आश्वस्त चाइना क्यों है और क्यों धमकियां दे रहा है। ग्रेफाइट उत्पादन के मामले में चाइना नंबर 1 पे है। नेचुरल ग्रेफाइट प्रोड्यूस करता है चाइना। ये हालांकि ग्राफ 2020 का है, लेकिन 2023 भी कमोबेश ऐसा ही है। चाइना के बाद ब्राजील का नंबर आता है, बाकी तो छुटबइये हैं। जितने देश आप देख रहे हैं, भारत भी है, लेकिन बड़ा छोटा इसका अनुपात है, बहुत ज़्यादा अनुपात नहीं है। और जहाँ तक रिजर्व की बात करें ना, तो स्क्रीन पर देखिए, इन देशों ने रिजर्व भी रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा रिजर्व तुर्की के पास ग्रेफाइट का है, उसके बाद चाइना के पास है, ब्राज़ील के पास है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, भारत है, उज्बेकिस्तान है, लेकिन सबसे ज़्यादा तुर्की के पास मिलेगा, उसके बाद चाइना के पास मिलेगा। अब जहाँ तक बात है सप्लाई की, तो दुनिया भर में सप्लाई भी देख लीजिए। ये ग्राफ कहता है कि दुनिया का 75% ग्रेफाइट का सप्लाई करता है चाइना, 4% करता है भारत, बाकी 5% तुर्की, 4% ब्राज़ील, 9% कनाडा, 2%। अब आखिर आएगा कहाँ से ग्रेफाइट? तो इसका उपाय भी है। साउथ कोरिया यहाँ पर टेंशन फ्री दिख रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। साउथ कोरिया कह रहा है, नहीं हमारे पास ऑप्शन है, हमें पता है कि कहाँ से आएगा और कहाँ से हम हैंडल कर लेंगे। हालांकि साउथ कोरिया किस कॉन्फिडेंस पे कह रहा है, तो आपको बता दें, हाल ही में 14 देशों ने IPEF साइन किया था, जिसमें से एक भारत भी है। क्या है ये? ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इसके तहत अमेरिका और इन चार देशों ने आपस में ये सुलह किया हुआ है, ये समझौता किया हुआ है कि देखो अगर कोई खनिज पदार्थ कम पड़ेगा ना, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे की मदद से उसे पूरा कर लेंगे, एकदम से कमी नहीं आने देंगे। अब ये बात कही जा रही है कि पहला पॉइंट है कि ये 14 देश एक दूसरे की मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सिंथेटिक ग्रेफाइट। अब ज्यादातर चांस है कि एक साथ देश दो काम करेंगे, एक इस खनिज की खोज शुरू करेंगे और दूसरा सिंथेटिक ग्रेफाइट बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ये क्या होता है? एक तरीके का कृत्रिम ग्रेफाइट।
तो ऐसा कुछ होता है और इसका कुछ व्यापार वगैरह भी होता है। स्क्रीन पर आप देखिए एक बार चार्ट 2019 में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ पर सिंथेटिक ग्रेफाइट का मार्केट कितना तेजी से बढ़ रहा है। 2027 तक का यह आंकड़ा दिया गया है कि सिंथेटिक ग्रेफाइट यहाँ पर तेजी से बढ़ेगा। तो ये दो उपाय बच जाते हैं इन देशों के पास। वैसे आपको बता दें, चाइना ने ये करके कोई बुद्धिमानी नहीं किया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चाइना का जो क्राइसिस है वो अब बढ़ते बढ़ते इनके शहरों पर जा रहा है। अगर रियल इस्टेट नहीं संभला तो रियल इस्टेट का जो लोन का प्रॉब्लम है अब धीरे धीरे गांव तक पहुंचेगा, क्योंकि लोन का अमाउंट रिकवर नहीं हो रहा है। ऐसे में इस तरीके की बंदिश लगाने का मतलब है कि आप अपने ग्राहक खो रहे हो और आप अपनी इकोनॉमी के लिए ही सबसे बड़ा संकट खड़ा कर रहे हो। खैर, चाइना तो चाइना है, इतनी जल्दी मानने वाला है नहीं। वैसे एक तरफ जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमास के रुख में भी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। हमने आपको हाल ही में एक खबर दी थी और कहा था कि इजरायली राजदूत नियोर गिलोन ने भारत से मदद मांगी और कहा कि अगर भारत मदद करता है तो हम स्वागत करेंगे। मदद में क्या चाहिए था इन्हें? ये चाहते थे कि भारत का प्रभाव जिन देशों के ऊपर है उन देशों के ऊपर दबाव बनाया जाए और वो देश फिर हमास से बात करें। इनडायरेक्ट तौर पर भारत को ये कह रहे थे कि आप रूस से बात करो और जो 200 बंधक हैं हमास के पास उसे आप रिलीज करवा दो। और आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में ये सुनने को मिल रहा है कि हमास से बातचीत की है रूस ने और बातचीत के बाद ये खबर आ रही है कि हमास 200 बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमास ने शर्त रख दी है। हमास का कहना है कि जो राफा बॉर्डर है उस बॉर्डर से हम भेजेंगे, आप आक्रामक होना बंद करो, यानी हमले समले करना बंद करो, तभी तो हमें रास्ता मिलेगा और तभी हम यहाँ से गुजर सकेंगे। अब आप जरा सा देखो, ये जो युद्ध है ना, इस युद्ध में दो महाशक्तियों की एंट्री हो गई है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल के साथ खड़ा होके ये कह रहा है कि ये युद्ध होगा और हम हमास का सफाया करेंगे, गाजा के नागरिकों को सुरक्षा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ रूस है, हमास से बातचीत कर रहा है। रूस के इरादे अभी क्लियर नहीं है, रूस चाह क्या रहा है। अभी तो फिलहाल हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए अगर बात कर रहा है तो ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, पर ये दोनों महाशक्तियां अगर टकराई तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल रखा हुआ है। एक ऐसा बवाल जो तीसरे विश्व युद्ध तक ले जाएगा और तीसरे विश्व युद्ध का मतलब है तबाही ही तबाही। जैसा कि हमने आपको पिछली खबर में बताया है कि CTBT का फंदा तोड़ दिया है रूस ने भी और अमेरिका ने भी, तो इसका मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वही सिकंदर, ये वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं देश। तो सारे देश चाहेंगे कि उनके पास ताकत बहुत ज्यादा हो। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।